चलिए दोस्तों, फटाफट से थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि हमने पिछले जो है चैप्टर में पढ़ा था कि पुष्पीय पौधों में जनन, ठीक है, पुष्पीय पौधे जनन में हमने उसके जो है इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हमारे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जाके आप कवर करिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं पुष्पीय पौधों का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, आप भी अपने कॉपी में बनाए थे, कुछ इस तरह से छोटा सा हम बना के अपना काम करेंगे, ठीक है। एक एक भाग को हम जल्दी जल्दी से सीखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेन निकाले रहेंगे और नोट करते रहेंगे, ठीक है। काम आपको इतना करना है, रोज का रोज करना है, अपने दोस्तों तक का भी वीडियो शेयर कर देना है, ठीक है, जिससे जो है जो भी इसके योग्य हैं उन सबको इसका लाभ मिले और आप भी उनके अच्छे बन जाए। इसका कोई चार्ज नहीं देना है किसी को, ठीक है, बस अच्छा बनने का मौका दिया है तो सब लोग अच्छे बन जाओ, और जिसे खराब बनना है तो खराब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत शेयर करना, और जिसे अच्छा बनना है वो अच्छा बन जाएगा, अपना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसे कलर कर दे रहे हैं क्योंकि ये कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, गुड़हल उड़हल में हमारे पाई जाती हैं, ठीक है। तो गुड़हल के फूलों में या और सारे फूलों में हम इसे देखने को हमें मिलता है, ठीक है। एक गुड़हल का फूल लाना, तब तक का हम काम जो है करते हैं, इसके नाम हम लिखते हैं, और गुड़हल का फूल अभी आ रहा है, ठीक है। तो नाम इसका हमारा क्या है, नीचे का इसे हम बोलते हैं थैलमस, ये थैलमस है, ठीक है, ये थैलमस है, और इसके बाद का ये हमारा जो है थैलमस के बाद के हम जो है कैलिक्स बोलते हैं, इसके बाद का हमारा करोला है, फिर एंड्रूसियम है, एंड्रूसियम है, और हमारे गाइनेशियम है, ठीक है, एंड्रूसियम हो गए और गाइनेशियम, ये एंड्रूसियम हो गया और गाइनेशियम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो है जहाँ पे नाम लिख दिए गए हैं, इनके हिंदी नाम भी आपको कल बताया गया था, ये थैलमस को थैलस ही बोलते हैं, थैलस, ये फूले हुए कुछ बॉडी होते हैं, कैलिक्स को बाह्य दलपुंज बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, ये हमारे दलपुंज होते हैं, और हमारे ये पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर होते हैं, और ये स्त्री केसर होता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। ये हमारे एक एक पॉइंट इसमें जो है होते हैं, तो सारे पॉइंट को हम देखेंगे सीखेंगे, कुछ करना नहीं है, आसान सा है, फूल आ गया है, फूल से हम काम करेंगे, समझेंगे, फूल के सारे पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ से हमारे जो है ऊपर से ही देखना शुरू करते हैं, तो अगर इसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इसमें ये हमारे कुछ उभरे हुए भाग होते हैं जो ये पाइप नीचे तक आती है, तो इसमें ये भाग अलग से हमने दिखाया है कि ये कुछ टोपी जैसे संरचना है जो नीचे तक पूरा आ रही है, ठीक है। तो इसमें पूरा नीचे तक का ये गया है, ठीक है, इसके अंदर का है, अब ये इसमें हमने अलग से दिखा दिया है, लेकिन हम ऐसे देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देता, ये अंदर तक का पहुंच गया है, ठीक है, अंदर तक के इसकी संरचना पहुंच गई है, तो इसे हम बोलते हैं गाइनेशियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाइनेशियम बोलते हैं। अब इस पे देख रहे हो गाइनेशियम के ऊपर हमारे जो है यहाँ छोटे छोटे डंठल में पीले पीले से इसमें जो है लगे हुए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ से इसमें लगा है, लेकिन हमने यहाँ बहुत सारे फूलों में नीचे से लगा रहता है, इसलिए कोई क्लियर नहीं है कि कहाँ से लगे रहते हैं। तो यहाँ से हमने नीचे से दिखाया है, देखो पीले वाले कलर से, कि ये हमारे जो है क्या है, एंड्रूसियम है, जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नर जनन अंग होते हैं, और ये स्त्री केसर वाला ये जो है मादा जनन अंग होता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये जनन की प्रोसेस में इन्हीं दोनों का काम है, ये पीले वाले भाग का और ये ट्यूब जैसी संरचना नीचे वाले भाग की। तो ये हमारे क्या है, ये रंगीन पंखुड़ियां होती है, देखो ये कलरफुल हैं, आकर्षित करती हैं फूल के जो अच्छे भाग होते हैं, ठीक है, लेकिन जनन अंग में इसका काम नहीं है, ये इसका काम है फूलों को अच्छा दिखना,
जिससे हमारे जो है भौरे या और कीट पतंगे इस पे आए, इसका रस चूसे, ठीक है। उसी रस चूसने में उड़ते उड़ते उनके पंख में या पैर में, यहाँ से हमारे जो है ये पुंकेसर वाले पीले से उनके जैसे हमारे हाथ में लग गया वैसे उनके भी जो है पैर में या कहीं लग जाता है, और ये वो पुंकेसर से पालन ग्रेन निकल के स्त्री केसर पे चला जाता है या दूसरे फूल के स्त्री केसर पे सेम वाले जाएगा। तो यहाँ से ये धीरे से एब्जॉर्ब करके नीचे की तरफ ये पाइप के अंदर से चला जाता है और हमारे जो है नए फल को बनाने में मदद करता है। अब एक एक स्टेप करके इसमें हम सीखेंगे। तो ये हमारा जो है रंगीन पंखुड़ियां हैं जिसे हम जो है दलपुंज बोलते हैं या करोला बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे ये कैलिक्स हैं, ठीक है, जिसे हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। तो बाह्य दलपुंज क्या होते हैं दोस्तों, ये नीचे वाले हरे कलर की जो ये पंखुड़ियां हैं, ठीक है, ये हमारे जो है बाह्य दलपुंज होते हैं जो उसके नीचे लगे होते हैं। थैलमस क्या होता है, इसमें तो नहीं है, यहाँ थोड़े से उभार जैसी संरचना होती है उसे थैलमस बोलते हैं। इसमें देखो एक संरचना और लगी है, ये कैलिस के बाद भी एक संरचना लगी हुई है जिसे हम जो है सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी एक और लग गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी में एक में रहता है, किसी इसमें दो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ऐसे ही आवृत्ति बीजी पौधों को हम पढ़ेंगे। आवृत्ति बीजी पौधों में या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का ये माध्यम है जिसके माध्यम से लैंगिक जनन की क्रिया होती है, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर पुष्पीय पौधों का लैंगिक जनन अंग होते हैं, हेडिंग करके डालेंगे। फिर उसके एक एक हम लिखेंगे उसमें कि कैलिक्स क्या होता है। तो कैलिक्स ये हमारा बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है, जो हरे रंग की होती है। इसकी इकाई को जो है हम क्या कहते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे कार्पल आ जाएंगे, फिर जो है ऐसे सबके एक एक करके इकाई को हम सीखेंगे। तो छोटा सा वीडियो है इसने ही, और इसके आगे फिर हम जो है एक एक करके इसका सीखेंगे। धन्यवाद।